पहला केस हमारा ही है प्रभु, कोर्ट टाइम पर तो पहुंच जाएंगे ना? हाँ सर, पहुंच सकते हैं। सर पीछे से कॉल आ रहे हैं, चेक करो। ओके सर। प्रभु तुम हटो, मैं संभालता हूं। अर्जुन गाड़ी रोक, वरना तेरे सारे पुलिस वालों को मार देंगे हम। सिग्नल आई नहीं रहा सर। फिर से बोल रहा हूँ, तेरे सारे पुलिस वालों को मार देंगे हम। Sir! Sir!
प्रभु। उसके गले में रोक फंसा दिया सर। सर खून बह रहा है सर, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा सर। दो बेटियां है सर, मुझे पर्दा नहीं है, बचा लीजिए सर। आई वे पेट्रोल प्रभु आ रहा हूं सर। कम ऑन कम इन। ए ए अंदर आ। Kill him! Hey! 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 खत्म करता हूँ तेरे को, टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। पकड़ो पकड़ो उसे, खत्म करो। छोड़ना मत। बाहर आ जा, बाहर आ जा, come on जल्दी, come on आ जा आ जा। ओपन करो ओपन करो जल्दी जल्दी। अर्जुन तू तो गया अर्जुन। छोड़िए जी को, आप जाइए। ओ आ जाओ शिव, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, केयरफुल। आशु कम ऑन, आशु मत जाना, मेरा भरोसा कर, मेरे साथ आ। आशु मत जाना, यू आर माय सोलमेट, कम विद मी। आशु मत जाओ, याद है ना मैंने तुझसे क्या कहा था, एक खूबसूरत शानदार दुनिया बाहर हमारा इंतजार कर रही है। कम ऑन कम विद मी। नहीं आशु, आ जा, कम ऑन मैन। आशु बच जाना, कम ऑन। आशु
आशु कम ऑन फर्स्ट आशु कम ऑन That's my boy. Asho. Chief, chief police aa rahi hai. Come on. Chor. Chief, chief baat ko samjhiye jaldi baithiye. Baithiye. मच्छा माँ के बारे में परिवार के बारे में सोचो। मुझे नहीं सोचना है। जब से पैदा हुआ कोई ना कोई सवाल मेरे पीछे लगा हुआ है। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारा रैंक क्या है, नौकरी मिली या नहीं, शादी कब कर रहे हो, कब मर रहे हो, ये छोड़कर बाकी सारे सवाल ये सोसाइटी दागते रहती है। मुझे ये फैमिली नहीं चाहिए, सोसाइटी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। जा रहा हूं मैं। नाम? लालू सर। कितना पढ़ा लिखा है? छठवीं पास हूँ सर। आप आगे क्यों नहीं पढ़े सर? पिताजी मर गए थे सर। आपके पिताजी आपको मरते वक्त कसम देकर मरे थे कि छठवीं के आगे नहीं पढ़ना सर। पांचवी में पढ़ते वक्त मेरे पिताजी भी मर गए थे।
मैं पढ़ के एसीपी बना के नहीं? सर, 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 गरीबी में किया सर, सर। अपनी गलतियों का दोष गरीबी को मत दे। ऐसा बोल के तू बस गरीबों की मेहनत का मजाक उड़ा रहा है। सर, मेरी फैमिली है सर, सर नहीं सर। तू जिसे मारने गया था उसकी फैमिली नहीं थी? जिस गैंग को हम 10 साल से पकड़ नहीं पाए, इसने 10 दिन में कैसे पकड़ लिया? मदुरई में बहुत मर्डर हो रहे थे, इसके लिए डीसीपी ने एक मीटिंग बुलाई थी। मदुरई के आसपास जो भी मर्डर्स हो रहे हैं उनकी प्लानिंग जेल में हो रही है। सभी जेलों में रेड मारो और सबके मोबाइल सीज करो। हम ही उनको ब्लैक में मोबाइल बेचे तो क्या? इस तरह हम उनके कॉल्स रिकॉर्ड कर पाएंगे। फिर कौन किसको मारने वाला है, कहां मारने वाला है, यह हमें पता चल जाएगा। उन्हें पकड़ना आसान होगा। खिलाड़ी निकला ये तो। सर, इन लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए था। हमें जान लेने का हक नहीं है जाहिर, हाथ तोड़ना ही गलत है, मजबूरी में कर रहे हैं। अकी उसकी फैमिली को बुला। यहाँ ये क्या? अम्मा, अपने बेटों की ऐसे परवरिश करते हैं? गलत लोगों की संगत में वो बिगड़ गया है, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए साहब। तुम्हें तो समझाना चाहिए था। ठीक है अब रो मत। वो 1 महीने तक काम नहीं कर पाएगा। इस पैसे से परिवार की देखभाल करना, ठीक होने तक उसके साथ रहना और उसे समझाना कि ये सब गलत है। ये ना, ये किताब पढ़ के सुना ताकि वो सुधर जाए। हाथ ठीक होने के बाद मुझसे आकर मिलना, नौकरी का इंतजाम करता हूँ। ठीक है सर। पूरा कलेक्शन बांट दे रहे हैं आप? जाहिर, अगर इसे अंदर डाल देंगे तो जमानत के लिए पैसा चाहिए होगा। वकील की फीस के लिए 10-15 हजार रुपए कहाँ से लेके आएगा? फिर से मारपीट करेगा, चोरी करेगा, नहीं तो उधार लेगा। और इस उचक्के को उधार कौन देगा? वही 2 नंबरी वाले। हाथ ठीक होने के बाद वो जिसे बोलेंगे ये मारेगा और हम उन्हें ढूंढते फिरेंगे। इस चक्कर में फंसना है कि सोच ही अलग है। भाभी जरा हाथ संभालना। हाँ। माँ के चेहरे पर चमक दिख रही है ना? क्यों? फेशियल जो किया है। कुंदन भैया कहाँ है? माँ, भोग लगाने का टाइम हो गया है। दादा, एक बार अपने भाई से मिला दोगे तो अपुन का एरिया में नाम हो जाएगा। हो जाएगा। तेरा भाई आ रहा है, काम तो कुछ है नहीं, सिर्फ शराब पीता रहता है। भाई, माय फ्रेंड। हेलो सर, चिवा, चिरको चिवा। कुछ है क्या तुम्हारे पास? थैंक यू। थैंक यू सर। आपका इंतजाम हो गया भाई। वैसे ही वो कम नौटंकी कर रहे हैं, तुम उसे और बढ़ावा दे रहे हो। जाने दो कभी, उसका दोस्त है साथ में। तेरे इंटरव्यू का क्या हुआ? लगता है छोटी कंपनी थी, जनाब को पसंद नहीं आई। मशीन चलाने के लिए बोल रहे थे मुझे। तुम दोनों भाइयों को नौकरी मिलेगी ही नहीं, अर्जुन अकेले कब तक फैमिली को संभालेगा? जाने दे माँ। हाँ क्यों ना। हे आशु, जब तक तेरी पसंद की नौकरी नहीं मिल जाती तो कोशिश कर, तब तक मैं संभालता हूँ। अब तो ठीक है ना माँ? दादा, एक बार अपने भाई से मिला दोगे तो अपुन का एरिया में नाम हो जाएगा। हो जाएगा। भाई, meet my friend. Hello, sir. I'm Chiva. Chirko Chiva. कुछ है क्या तुम्हारे पास? Thank you. चल, खाटू का इंतजाम हो गया। बराबर। दादा, एक बार अपने भाई से मिलाओगे तो अपुन का एरिया में हो जाएगा। कल चेन्नई जा रहे हैं। भाई, meet my friend. Hello, sir. I'm Chiva. Chirko Chiva. मिल सकता है। That's okay. इसमें चाहिए। जी जाजी, 2 दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं चेन्नई तो आज ही जाना पड़ेगा मुझे। सॉरी भाई, कल मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं भैया। एक्चुअली मेरा दोस्त कुछ जवाब मेले में आया था, मैं उसे तुमसे मिलवाना भूल गया। हे देवी माँ, अगर मेरे बड़े और छोटे बेटे को नौकरी मिल गई
तो मैं अग्नि की परिक्रमा करूंगी। क्या कह रही हो माँ, उसमें कितना खतरा है। तो और मैं कर ही क्या सकती हूँ, तेरी भाभी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आपको ना इनकी शराब छूटने नहीं वाली, मुझे नहीं लगता। ये जीपीएस वॉच है, अगर वाइन शॉप के पास भी जाओगे ना तो मुझे पता चल जाएगा। भगवान आज से दारू बंद, तेरी कसम। कवि चले, हमें 6 बजे तक निकलना है। जी मैं भाई से बोलकर आती हूँ। आगे क्या करने का इरादा है इंजीनियर सर? इंजीनियर साहब नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी ही ढूंढते रहेंगे। गलत मत समझना भैया। नहीं कवि, मेरे ससुराल वालों को तो जानते हो ना। ठीक है तुम जाओ। हमारी माँ बहुत परेशान है, कुछ करना इसके लिए। केवल 8-10 हजार में काम करने के लिए दूसरे स्टेट से लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं, और हमारे लड़कों को ढंग की नौकरी मिल नहीं रही है। कंपनी कहती है हमारे लड़कों के पास स्किल्स नहीं है। बहुत सारी बड़ी कंपनियां हजारों में लोगों को फायर कर रही हैं। ऐसे माहौल में इसकी क्वालिफिकेशन के लायक नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। दादा आप तो बदल गए, अयप्पा स्वामी की माला पहन ली, दूध पीने लगे। स्वामी शरणम अयप्पा। ये तो पाप है। जब माला दूध में है तो ना दिखेगी ना पाप लगेगा। चीयर्स। चित्रा है, है चित्रा, है चित्रा, सुनो रुक जाओ ना, मैं आपसे दारू का हाथ नहीं लगाऊंगा। चित्रा रुको तो। चित्रा अरे मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ ना, सुनो। चित्रा मेरी बात सुनो तो। शराबी की बीवी कहलाने के लिए तुमसे शादी की थी। मुझे कुछ भी चाहिए होता है तो बोलते हो भाई से मांग लो। पेटीकोट और नैपकिन के लिए भी तुम्हारे भाई से पैसे मांगू मैं? बको। अर्जुन चित्रा को जरा समझाओ ना बेटा। मैं उसे क्या कह के समझाऊं माँ कि मेरा भाई कल सुधर जाएगा, कि आजकल हर कोई शराब पीता है, शराब पीना गलत नहीं होता। उसकी कुंडली में समय खराब चल रहा है, अगर जगह बदल दे तो वो बदल जाएगा। पाउडर का कीमत 3 करोड़ है, इसे मेंशन में संभाल के रखना। डर लग रहा है फंसेंगे तो नहीं? कोलंबिया वालों से वो लोग चोरी किए, उनसे हमने चोरी किया, इसमें गलत क्या है? फोन स्विच ऑफ कर दे, घंटा कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। फोन स्विच ऑफ कर दिया, तुझे क्या लगा पता नहीं चलेगा? कोलंबियन पाउडर उड़ाने के लिए तेरे अलावा 3 और लोगों को भेजा था, सिर्फ तूने डिलीवरी नहीं दी है। 3 करोड़ का पाउडर किसे दिया? कौन है वो? उसका नाम है नवीन। नवीन इससे पहले भी बाइक और गहनों की चोरी कर चुका है। वो SS मैंशन में रहता है। जाओ उसे, उसकी बाइक और पाउडर लेकर आओ। तुम लोगों की फोटोज मेरे पास है, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। हमारी नेटवर्क का पता कर पाए ऐसा पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ।
वेलकम टू चेन्नई सर. थैंक यू. पीपल्स कॉप इन चेन्नई का हैशटैग आज ट्रेंड कर रहा है सर. प्रेस वाले आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं सर. काम बोलेगा. अंडरस्टूड सर. सर, नए घर की सफाई करके एक चाबी आपकी माँ को दे दी है. हेलो माँ के लाडले. हाँ बोलो ना. चेन्नई आए 12 घंटे हो गए, अभी तक मिलने क्यों नहीं आए? मेरे पास जॉब नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर वाले मेरी बेइज्जती करते हैं ना. अब जब जॉब मिलेगी तब मैं मिलने आऊँगा. अच्छा, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, उसमें भी नहीं आओगे? नो. इज्जत से बोल रही हूँ, आ जाना नहीं तो मार डालूंगी. सर, एसएस मेंशन में सारे यंगस्टर्स अचानक बेहोश हो गए, कारण कुछ भी पता नहीं चल रहा. सर, एवरीथिंग इज रेडी सर. दिस वाज क्या हुआ है? कल रात को काफी लोग बेहोश होकर गिर गए. आज सुबह पता चला कि नवीन नाम के लड़के ने सुसाइड कर लिया है. पहले किसने देखा? उसके रूममेट ने सर. नाम? सक्सेस बालू. ये क्या नाम है? सक्सेस बालू. बालू बुलाने से अच्छा लोग सक्सेस बालू बुलाएंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, मुझे सक्सेस मिलेगा. दरवाजा खोल. अंदर से बंद है सर. ए, बाहर से दरवाजा बंद कर सकता है, बाहर से खोल नहीं सकता क्या? खोल ना सर. अरे खोल यार. सर खोल. बहुत पहुंची हुई चीज है, एक ही किक में खोल दिया. सुनो. यस सर. पैंट उतार के चेक करो. ओके सर. सक्सेस बालू, तू और तेरा ये दोस्त एक ही लड़की से प्यार करते थे? नो सर. तेरा उधार वापस नहीं किया था? नहीं सर. तेरी जात वाली लड़की पसंद आ गई थी? ऐसा कुछ भी नहीं है सर. तो फिर तूने अपने इस दोस्त को मारा क्यों? क्या सर, नाइट शिफ्ट करके सुबह ही आया हूँ सर. तू ऐसे नहीं मानेगा. ठीक है, जैसे तूने बॉडी को लटकाया था वैसे ही उतार दे. हे भगवान, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए. सर, मल त्याग हुआ है, यह आत्महत्या ही है. बालू सर, बच गया तो जा एम्बुलेंस वालों को बुला. बुलाता हूँ. मुझे ये सुसाइड नहीं लगता, इस सुसाइड के पीछे एक क्राइम भी हो सकता है. देखो, ये ड्रग एडिक्ट्स का टैटू है, इसके नाक पर ड्रग्स लेने के निशान भी हैं, यहाँ पर कोई अजीब सी बू भी आ रही है. जरा चेक करो कहीं किसी ने कोई ड्रग्स तो नहीं जला है. ओके सर. एम्बुलेंस भैया, सर बुला रहे हैं. ब्रदर, नवीन को मैंने अपनी बाइक दी थी, अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो. सर, यहाँ पर जलाया है. नारकोटिक्स से सोफिया को बुला. ओके सर. प्योरेस्ट फॉर्म सर, ये जलने की वजह से हवा में फैला और लोग बेहोश हो गए. ओके. माँ कैसी है? पूछ रही थी, नौकरी ठीक है. शादी कब करनी है? इतना कह रही है तो एक बार करके देख लो. आपको भी ट्राई करनी चाहिए. ड्रग रेसिड्यूज, गिरवी वाले की स्लिप भी है. सक्सेस बालू. अरे बाप रे सर. नवीन का हेलमेट इधर है.
बाइक किधर है? बाइक बाइक वो एक लड़का जिसे तू जानता तक नहीं, उसे अपने रूममेट नवीन की बाइक कैसे दे दी? उसने बोला अगर पुलिस के हाथ बाइक लग गई तो उसका इंजन निकाल के बेच देंगे, और उसकी बात में पॉइंट लगा, इसलिए मैंने बाइक दे दी। जो बाइक को लेकर गया उसका चेहरा याद है? याद है सर। स्टेशन सोफिया, पहले गाड़ी का नंबर बता। TN10W7742। बालू दिखता कैसा था? दिखने में कुछ खास नहीं था मैडम। ए, ठीक से बता। हाँ। अशोक कुमार। शशि, जो बाइक लेकर गया था उसका नाम अशोक कुमार है। यस सर। जाकर उसे उठा। जी। कंदस्वामी। यस सर। हेलमेट में जो स्लिप मिला था दुकान से उसकी डिटेल्स निकाल। ओके सर। ये बाइक तेरा ही है ना? हाँ सर, ये बाइक मेरी ही है, मैं ही अशोक कुमार हूँ, लेकिन इस बाइक को मैंने बहुत पहले ALX पर बेच दिया था। हमने इसको पकड़ा तो नवीन डर गया, उसने ड्रग्स को जलाकर सुसाइड कर लिया है। ALX से जो बाइक खरीदी थी मैं उसे लेकर आ गया हूँ। उस ACP को शक हो गया चीफ। मुझे ये सुसाइड नहीं लगता। भाई, भाई, भाई। जो बाइक लेके गया है ये उसका स्केच है। IT विंग से कांटेक्ट करके चेक करो कि आधार और फेस टैगर में उसका चेहरा मैच हो रहा है या नहीं। सर, अशोक कुमार ने उस बाइक को ALX पर किसी को बेच दिया है। जिसने खरीदी उसका नंबर? चोरी का नंबर है सर, और चोरी के उस नंबर से किसी ने उस दिन एक नहीं 8 बाइक्स खरीदे हैं सर। अमित, क्या हुआ? कुत्ते ने सूंघ लिया है। कोलंबियन के साथ जो खेल हमने खेला था उसके रूल्स इसने तोड़े हैं। शैतान के गुलाम कभी धोखेबाजों को माफ नहीं करते। रूल्स आर रूल्स। ओके चीफ, इसे लटका दो। आधार और फेस टैगर में उसकी डिटेल्स नहीं है सर। जिस नवीन ने सुसाइड किया है उसके हेलमेट में तुम्हारे दुकान के स्लिप मिली है। चेहरे का रंग क्यों उतर गया? ऐसा कुछ नहीं है सर। बोल। सर, वो चेन चोरी करके मेरे पास लेके आता है, मैं उसे हाफ प्राइस दे देता हूँ। सर, वो नवीन तो चेन स्नैचिंग में आरोपी है। ड्रग्स और चेन स्नैचिंग दोनों क्राइम किसी एक ही गैंग ने किया हो, ऐसा कोई केस नारकोटिक्स में आया? नो सर। क्रिस्टियाना को फोन करो, उससे कहो 10 साल पुराना क्राइम डेटा भेजे। यस सर। कंदस्वामी, यस सर। कमिश्नर के ऑफिस पहुंचो, मैं आता हूं। ओके सर। हेलो। यस मैम। क्रिस्टियाना। यस मैम। शैतान के गुलाम अगर रूल्स तोड़ेंगे तो उसका अंजाम अब सबको पता चल गया होगा। अब गेम सही तरीके से खेलना। ठीक है चीफ। रेडी गो। मिनट में शहर का सारा क्राइम डेटा आ जाएगा। गुड, आओ बैठो। सर, कुछ देर पहले 45 जगहों पर स्नैचिंग केस रिपोर्ट हुए हैं, पर एक का भी CCTV फुटेज नहीं मिला। यानी वो लोग जानते हैं कैमरास कहां कहां नहीं है।
ALX, बाइक्स, ड्रग्स, चेन स्नैचिंग, इन सब के तार आपस में जुड़े हुए हैं। अर्जुन, सिटी क्राइम डेट आ गया। जरा चेक करके बताना, एक ही दिन में इतने सारे चेन स्नैचिंग कभी रिपोर्ट हुए हैं? ओके, 5 मिनट्स। जनवरी 18, 2021 को 40 स्नैचिंग हुए, 16 फरवरी को 56, 24 मार्च को 60। 5 साल में ये बार बार हुआ है, महीने में कम से कम एक या दो बार होता है। तकरीबन 4,800 चेन स्नैचिंग है अर्जुन। अठारह हजार, 15,000, 20,000, सोफिया, जिस दिन भी चेन स्नैचिंग हुई है उसे ब्लैक डे कहेंगे। अब जरा ये भी चेक कर लो, ब्लैक डे के आगे पीछे कोई ड्रग रिलेटेड केसेस हैं? ओके। अर्जुन, ब्लैक डे के पहले या बाद में 1300 ड्रग केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। इतना ही नहीं, 55 मर्डर केसेस भी हैं। टोटल 6000 केसेस से ज्यादा। वो 55 मर्डर केसेस जहां रिकॉर्ड हुए हैं उन पुलिस स्टेशन को फोन करो, पूछो उनमें कोई बाइक्स इन्वॉल्वड है। R7, R2। Yes, this is Sophia from Narcotics. जगन, वो FIR फाइल निकालना। हाँ मैडम। आप जिस मर्डर केस का पूछ रही हैं, उसमें बाइक शामिल है। लेकिन जिन लोगों ने मर्डर किया था वो तो सरेंडर हो गए। अर्ज, बाइक बहुत केसेस में इन्वॉल्व थे, लेकिन जितने भी केसेस हुए मर्डरर्स ने खुद सरेंडर कर दिया। पैसों के लिए लोग सरेंडर कर देते हैं। सोफिया, तुम ALX ऑफिस को फोन करो, जरा उनसे इंक्वायरी करना, ब्लैक डे के आसपास किसी ने एक ही नंबर से कई बाइक्स खरीदी हैं। या ALX, 1 मिनट मैडम, चेक करके बताती हूँ। हाउ कम मैडम? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपके बताए गए सभी डेट्स पर हर बार एक ही नंबर से 8 से 10 बाइक्स खरीदी गई हैं। हर ब्लैक डे से पहले एक ही नंबर से 8 से 10 बाइक खरीदे गए हैं। 5 साल में 600 से ज्यादा बाइक्स। समझ में नहीं आ रहा कि ये इतने बाइक्स का क्या करेंगे। सोफिया, व्हाट इफ अगर ये सारे क्राइम्स एक ही गैंग ने किए हैं, तो वो गैंग कितना खतरनाक होगा। सोच के भी डर लगता है अर्जुन। माय इंट्यूशन सेज दिस कुड बी समथिंग बिग। वाह, इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करते मैंने नहीं देखा। आधा केस तो तुमने मैंशन से कमिश्नर ऑफिस तक आने में सॉल्व कर दिया। सर, आपको तुरंत कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया है। इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो कि ये 6000 क्राइम्स एक ही गैंग ने किए हैं? सर, कल रात को एक लड़के ने ड्रग्स चलाकर आत्महत्या कर ली। उसके हेलमेट के अंदर से हमें गिरवी का स्लिप मिला। जांच में यह पता चला कि वो चोरी का माल है। चोरी में इस्तेमाल किया गया बाइक ALX पर खरीदा था। ALX की पूछताछ में पता चला कि 5 साल में कई बार चोरी के नंबर से 600 से ज्यादा बाइक्स खरीदे गए हैं, और जब जब ये बाइक्स खरीदे गए हैं ठीक उसी वक्त चेन स्नैचिंग, मर्डर, ड्रग्स संबंधित क्राइम्स, इनकी तादाद बढ़ गई। एक ही गैंग के होने के चांसेस हैं सर। कोई चांस नहीं है। चेन लूटने वाला मर्डर नहीं कर सकता है। सर, मर्डर सीरियस क्राइम है, चेन स्नैचिंग बहुत छोटा क्राइम है। चेन स्नैचिंग छोटा क्राइम नहीं है। एक औरत के गले में जो चेन है वो मामूली चीज नहीं है, वो उनकी मेहनत की कमाई है। रोड पर चलते वक्त जो चेन गंवा देते हैं वो मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं। पति की नौकरी गंवाने के बाद बच्चों की फीस भरने के लिए, हॉस्पिटल की इमरजेंसी के लिए यही गहने उनके काम आते हैं। गहने औरतों का सिर्फ शौक नहीं है, उनकी जरूरत है, ख्वाहिश है। उस ख्वाहिश को तोड़ना भी एक क्राइम है सर। यही बात तो मैं सारे ऑफिसर्स को समझा रहा था, कोई समझता ही नहीं है। सर, चेन लूटने जैसा क्राइम इतना बड़ा गैंग क्यों करेगा? कितना पैसा मिलेगा सर? सर, आज ही इस बाइक गैंग ने 45 जगहों पर 400 तोला सोना लूटा है, जिसकी कीमत है 125 करोड़। अगर उसका आधा ही पकड़ ले तो भी बनते हैं 65 लाख। पिछले 5 साल में 70 बार ये हो चुका है। 70 × 65 लाख तकरीबन 45 करोड़ रुपए। हमारी बैंकों में भी कभी इतनी बड़ी लूट नहीं हुई है।
ये कहना चाह रहे हो कि कोई एक गैंग एलेक्स पर बाइक खरीद के ड्रग्स, मर्डर, चेन स्नैचिंग ये सब करवा रही है, यही ना? यस सर। आज चेन स्नैचिंग हुई है ना? हाँ सर। तो फिर कल या आज में किसी तरह का कोई और क्राइम या मर्डर कुछ हुआ है क्या? अब बोलो जरा, बहुत इंटेलिजेंट बन रहे थे। क्रिस्टियाना? यस सर। टीम अलर्ट, सिटी के सब पुलिस स्टेशन में कॉन्टैक्ट करके पता करो कि बाइक रिलेटेड मर्डर केस हुआ है क्या। कौन है ये? कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है। बाइक रेस का चैंपियन है, जिसे सीएम ने डायरेक्टली अपॉइंट किया था, वही है ये। कंट्रोल रखना पड़ेगा, इसकी टीम में अपना एक आदमी डाल दो। सर, सभी पुलिस स्टेशन में चेक किया है, मर्डर कहीं भी नहीं हुआ है। क्या कहा था सर मैंने? बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा था। अगर अब तक नहीं हुआ तो अब होगा। बकवास बंद करो। पक्का होगा। नहीं हुआ तो? अगर हुआ तो? हेलो, अब सुनाई दे रहा है? मैं बाहर आ गया। कहाँ है? हेलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं? अलर्ट इशू किया होता तो एक जान बच जाती। अगर मेरा सोचना सही है तो हमारे राज्य के इतिहास में यही सबसे खतरनाक गैंग होगा। सैल्यूट चीफ, अर्जुन चेन्नई का नया एसीपी हमारे केस में एंटर हुआ है। कौन है वह? अर्जुन, इस केस को तुम ही डील करोगे। मॉडर्न कंट्रोल रूम आज से तुम्हारे अंडर है। सर, प्लीज सिट डाउन। ये सभी लोग मॉडर्न कंट्रोल रूम के कोर टीम है सर। शहर में जो 400,000 कैमरे लगे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही से हम मॉनिटर करते हैं। और यूक्रेन के हैकर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाइस। लेकिन अब हमें करना क्या है? बाइक गैंग के बारे में पता करना है। नहीं, मत करो। सर, बाइक गैंग को ढूंढने के बजाय उनको ढूंढो जिनकी बदौलत बाइक गैंग चलती है। सर, रिवर्स प्रोसेस। सारंगन, सर, जितने भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं उन सब की एक लिस्ट तैयार करो। यस सर। अहमद। यस सर। रेगुलर ड्रग यूज करने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स ड्रग्स कैसे खरीदते हैं पता करो। ओके सर। मुझे एक हफ्ते में पूरे डिटेल्स चाहिए। यस सर। क्या ट्राई करना चाहते हो? ब्लैक डेज पर जितने भी कत्ल हुए उनके सारे अक्यूज ने सरेंडर कर दिया था ना? हाँ। तो नेक्स्ट, ये सभी एजेंट्स को भेज दो और बोलो इसे फॉलो करें। अर्जुन। हाँ बोलो आशु। भाई, अगर तुम रिकमेंडेशन लेटर दोगे ना तो मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। एक लेटर ही तो है, दे दो ना बेटा। नहीं माँ, अगर मैं रिकमेंडेशन दे दूंगा तो वो लोग भी मुझसे काम की उम्मीद रखेंगे। अगर आज इसकी मदद करूंगा तो किसी गरीब का हक छिन जाएगा। आशु, अर्जुन भी तो सही कह रहा है। आशु, बुरा मत मानना, कल रम्या के बर्थडे फंक्शन में मिलते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
हैप्पी बर्थडे डियर रम्या। मेरा सीजू बाबू, वाओ, इसकी तो उम्मीद भी नहीं की थी। थैंक यू। केक हाथों से नहीं, तुम थी ना। हम वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। बोलने में हिचकिचा क्यों रहा है? प्यार करता है तो हिम्मत से बोल। और तुम? ये प्यार करती भी है तब भी हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। लेकिन क्यों अंकल? मैं एक बेरोजगार आदमी से अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ, बोलो। इसे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो मैं लोन लेकर इसके लिए बिजनेस सेट कर दूंगा। उससे कुछ नहीं होगा, मुझे तमिलनाडु में सेटल लड़का चाहिए ही नहीं, सबके सब पियक्कड़ है। बड़ी बहू को तो घर पर रख नहीं पाए, छोटी की सोच रहे हैं। समधन जी, अब ज्यादा मत बोलिए। माँ, अगर मेरे पति की नौकरी नहीं होती तो मेरी शादी करती आप? बोलिए। इस लड़की के अलावा दुनिया में और लड़कियां नहीं है क्या? दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन बेरोजगार को लड़की कौन देगा? आशु, 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 तमिलनाडु में 410 भिखारी हैं जो इंजीनियर हैं। अगर तुम्हारा भाई नहीं होता तो तुम 411वें होते। चेन्नई में हमसे पाउडर लेकर बेचने वाले यही लोग हैं, सभी को उठाकर यहाँ ले आया हूँ। 2 महीने से मुझसे पाउडर नहीं खरीदा, फिर भी बेच रहे हो। तुम लोग ही बाइक से आकर चोरी किए थे ना, इज्जत से सब वापस कर दो, नहीं तो। हम लोगों ने चोरी नहीं की, एक नया ग्रुप बाइक से पाउडर सप्लाई करता है, आप उनको पकड़ो। साले झूठ बोलता है। Spares us one, kill the rest. क्यों सैनियर? एक को क्यों छोड़ना है? There should be at least one to tell the world on what happens when somebody lay hand on our stuff. Last time it was 25 kilos. Doesn't really matter. Now it is 1 ton, worth 3,000 crores. I'm gonna get down with it. Dock the stuff. Let's boom whoever stands our way. Rápido, rápido. Venga, venga. चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, एटीएम वैन में लोड करो, जाओ जाओ जल्दी करो, फास्ट फास्ट चलो। सर, कोलंबियन गैंग 3,000 करोड़ का 1 टन कोकेन चेन्नई में लाने वाले हैं। मामला थोड़ा बड़ा है, संभाल कर करना। ठीक है भाई साहब, मैं संभाल लूंगा। हेलो, वही कोलंबियन गैंग 3,000 करोड़ का पाउडर लेके आ रहे हैं, उसमें 10% मेरा हिस्सा होगा। डील अगर ओके तो मुझे बता, कहां कब मैं बताऊंगा। डील ओके शासन सर। चीफ, गुड न्यूज, 1 टन पाउडर 3,000 करोड़ का है, सेम रूट, गेम खेलें।
दो दिन में एक टन पाउडर आने वाला है। ग्राफिटी बनाने बोलो। जब तक अर्जुन शहर में है इट्स टू रिस्की। सारा, हमारे बारे में हमारे बाइकर्स भी नहीं जानते, एजेंट्स को भी नहीं मालूम। ग्राफिटी ही हमारा कनेक्शन है। ग्राफिटी का मतलब भी बहुत लोगों को नहीं पता। उसे स्कैन करके, हैक करके हमारे नेटवर्क के बारे में पता लगाना पुलिस के बस की बात नहीं। और अगर पता कर भी लिया तो अर्जुन छोड़ो, पूरी पुलिस फोर्स भी अगर लग जाए ना, तो हमारी बाइक की स्पीड के आगे हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। सुपर आइडिया अर्जुन, कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट। हे, ड्रग्स कहाँ से खरीदते हो? सर, सैटन स्लेव्स नाम का एक वेबसाइट है, उसके एक मेंबर ने मुझे रेकमेंड करके ऐड कर दिया। रैग ब्राउजर यूज करके ऑर्डर करते हैं गांजा, कोकेन, हेरोइन, डीएमडी, एलएसडी, हैप्पी पिल्स, जो चाहिए बाइक से डिलीवर कर देते हैं सर। शशि, सर इंटरनेट पे सैटन स्लेव्स नाम का एक वेबसाइट है, किसी राग ब्राउजर के जरिए ऑर्डर करने पर शायद बाइक से आकर डिलीवरी करते हैं सर। ये राग ब्राउजर क्या है? गूगल ब्राउजर की तरह राग ब्राउजर भी है सर। फॉरेन कंट्रीज में इसे डार्क वेब कहते हैं सर। ये फेक आईपी एड्रेस क्रिएट करके बदलता रहता है सर, इसलिए इसको ट्रेस कर पाना मुश्किल है। सर मेरे पास एक आइडिया है, हमने जिन लड़कों को अरेस्ट किया है उन्हीं से ड्रग ऑर्डर करवाते हैं, जब बाइक वाला डिलीवरी करने आएगा तो पकड़ा जाएगा और उसी से पूछताछ करके शायद गैंग तक भी पहुंच जाए। नहीं, अगर डिलीवरी वाले को अरेस्ट कर लिया तो उसके ऊपर जो है वो अलर्ट हो जाएगा। मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। लता, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की लिस्ट रेडी है। रेडी सर। टीम प्ले द विजुअल्स। सिटी में पैसा लेकर हत्या करने वाले 6 ही लोग हैं। दो लोग जेल में है, दो लोग अब्सकॉन्डिंग, बाकी के दो लोग पिछले कुछ सालों से कुछ नहीं कर रहे सर। ओके, रिलैक्स, काफी सीरियस हो गया ना, चलो हम एक गेम खेलते हैं, ऐसे थोड़ी मस्ती करते हैं। ओके सर। ओके सर। तुम दोनों के बीच एक सेल्फी कंपटीशन करवाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। रियली सर? अपनी एक सेल्फी लेकर सारंगन को भेजो। ओके सर। डन सर। भेज दिया सर। गुड। हाँ आ गई सर। मैं जीत गई ना सर। मैं जीती ना सर। सारंगन सर, ये सेल्फीज दोनों रिटायर्ड कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भेज दो, इन दोनों को मारने की सुपारी दे दो। ओए माँ सर। सारंगन सर के चश्मे में लगे हुए कैमरे का सिग्नल मिल रहा है और वो इस वक्त उस रिटायर्ड किलर के घर में है। उस किलर का नंबर हम ट्रैक कर पा रहे हैं सर। इन दोनों को मारना है। एक रिटायर्ड क्रिमिनल फोटो किसको फॉरवर्ड कर रहा है? लेकिन उसने फोन से मैसेज, व्हाट्सएप, मेल का इस्तेमाल नहीं किया, फॉरवर्ड कैसे किया पता नहीं चल पा रहा है। एडवांस। काम खत्म करके बताता हूँ। सारंगन, उसका फोन उठा लो। ब्राउजिंग हिस्ट्री ओपन करके सारी लिंक्स चेक करो। इसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री है ही नहीं सर। सारंगन, स्टॉप स्टॉप, बैक जाइए, उस ऐप को ओपन करिए। सर, ये भी राग ब्राउजर है सर।
ओह माय गॉड, मतलब इस बाइक गैंग ने रैग ब्राउजर को यूज करके एक बहुत बड़ा क्राइम नेटवर्क क्रिएट किया है। हैक करो उसे। टीम अलर्ट, उस आईपी एड्रेस को फॉलो करके पता करो ये फोटोज कहां कहां फॉरवर्ड की गई हैं। ये फोटोज हाई कोर्ट एरिया में किसी नंबर पे भेजी गई हैं। वहाँ से साउथ कार्पेट एरिया में एक नंबर पर गया है। शशि, तुम हाई कोर्ट जाओ। अहमद, साउथ कार्पेट पहुँचो। जल्दी, फास्ट। लेफ्ट, यही लेफ्ट। मुड़ो, मुड़ो, जल्दी। सर, साउथ कार्पेट से दूसरे एरिया में फॉरवर्ड हो गया है। लोकेशन लगातार जंप हो रहा है सर। कमॉन, 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 कमॉन। उस एड्रेस का पता लगाओ। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ऑलमोस्ट क्लोज है सर। अबॉट, अबॉट! जिसने भी तुझे फोटोज भेजे उनको वहां से भागने बोलो। स्टॉप, स्टॉप, लोकेशन यही है। सर, इस लोकेशन पर बहुत घर हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। वो यहाँ से भाग गया सर। बहुत एडवोकेट है सर, पकड़ में नहीं आ रहा है। ओके, गुड ट्राई, गुड ट्राई, नो वरीज। अहमद को सिग्नल की लास्ट लोकेशन भेजो। अहमद, तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, जाके चेक कर लो। उस लोकेशन पर एक बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है और उसी बिल्डिंग से एक आदमी बी किंग बाइक पर फरार हो गया है। आसपास के सभी स्मार्ट पोल फुटेजेस चेक करो। बैक, बैक, बैक। या, फ्रीज। सर, गाड़ी 5 सिग्नल्स को क्रॉस कर चुकी है, वो स्मार्ट पोल में रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। गाड़ी बदल दी होगी। सोफिया, सर, इतनी डिटेल से उसका स्केच बना पाओगी? ट्राई करती हूँ सर। पुलिस को जिस व्यक्ति पर बाइक गैंग का लीडर होने का शक है उसका स्केच उन्होंने जारी किया है। इसके बारे में अगर किसी को कोई भी जानकारी हो तो इस नंबर पर पुलिस से संपर्क करें। सारा, तुरंत सभी एजेंट्स को हमारे सेफ हाउस आने के लिए बोलो। पहले बोला था इंटरनेट पे फोटो भेजने से ही काम हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बोल रहे हैं किसी एसीपी अर्जुन को पता चल गया है। एनीवे, मेरा एंटीसिपेटरी बिल रेडी करो। आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। कितने एजेंट हैं? अप्पू, शांता, तुम लोग भी उस नेटवर्क में? मेहता, तुम भी? अरे हमें छोड़ो, इन सब वकीलों को देखो। वकील, गुंडे, गांजा और ड्रग्स पेडलर सबके सब? हम सारे एक ही नेटवर्क में हैं। तुम लोग मर्डर करने के लिए पैसे और फोटो मुझे भेजते हो और मैं उसे लीडर को देता हूँ। इधर है वो लीडर।
तुमने कहा था कि हमें आमने सामने कभी आना नहीं पड़ेगा, मर्डर या रॉबरी तुम ऑनलाइन नेटवर्क से कर दोगे, कभी पुलिस हमें पकड़ नहीं सकेगी। तो फिर अर्जुन को कैसे पता चला? अर्जुन ने हमारे नेटवर्क को हैक कर लिया है, हमें नहीं पता हमारे बारे में उसे कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है। ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा देगा। अब हमारे बचने का एक ही रास्ता है, इसको ही खत्म कर दो। इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, इसे जलाकर राख कर दो। कौन है बे? कौन सा क्या बे? छपरी मार डालेंगे तेरे को। ये सब कहां से आ गए? चीफ, हम आपको पहली बार देख रहे हैं। आज तक ये समाज हमें बेरोजगार, निकम्मा, बेकार बुलाता था, हमारी बेइज्जती करता था। हर वक्त हम सर झुका के गाली खाते थे और खाना भी शर्म से खाते थे। परिवार ने इज्जत नहीं दी, रिश्तेदारों ने इज्जत नहीं दी, समाज ने इज्जत नहीं दी। इस नेटवर्क को ज्वाइन करने के बाद ही हमें इंसान होने का एहसास हुआ। आप ही ने हमें इस समाज में इज्जत दिलाई, हम में जीने की उम्मीद जगाई। आप ही की वजह से आज हमारा वजूद है। आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम आपके गुलाम हैं। हम आपके गुलाम हैं। शैतान के गुलाम हैं हम। शैतान के गुलाम हैं हम। आज तक हम छुप कर काम करते आए हैं, लेकिन आज से हम शैतान के गुलाम खुलेआम इस समाज से युद्ध की घोषणा करते हैं। अपने माँ बाप रिश्तेदार किसी पर भरोसा मत करो। हमें जो कुछ भी चाहिए हम छीन कर रहेंगे। हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले अर्जुन को मारना ही हमारा पहला काम है। कल एक टन पाउडर कोलंबियन गैंग एटीएम वैन में स्मगल करके चेन्नई ला रहा है, यही समय मिला अर्जुन को इसमें घुसने का। शी, हमारे नेटवर्क के बारे में पता करके अर्जुन का स्मार्ट इमेज बन गया है, कल उसे मैं बेवकूफ बनाऊंगा। उसके बाद सब लोग जोकर बोलकर उस पर हंसेंगे। सारा, हेलो, ट्रेस द कॉल। आप कौन है? तू चुप रहे, उसे पता है कि हम कौन है। फोन दे। कनेक्ट। अर्जुन हियर। अर्जुन? हाँ बक, क्या बकना है चोर? चोर? अगर कोई अपने सामान को संभाल नहीं सकता तो उसे उस सामान को रखने का भी हक नहीं है। ताकतवर को जो चाहिए वो छीन लेता है। ताकत दूसरों को बचाने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। अच्छा आदमी बचाता है, बुरा आदमी तबाह करता है, लेकिन जीत अच्छाई की होती है। अच्छा बुरा ये सिर्फ कहने की बातें हैं अर्जुन, इतिहास पढ़ लो, कितने अच्छे लोग हैं जिन्होंने जीता है। तुम जिनकी बात करते हो वो सिर्फ कहानियों में जीतते हैं। तुझे अरेस्ट करूंगा तब देखेंगे जीत अच्छाई की हुई या बुराई की। मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा तू। कल मैं अपने नेटवर्क का पावर तुझे दिखाता हूँ। तूने मुझे दो लड़कियों को खत्म करने का असाइनमेंट दिया था ना, तेरी यही इच्छा है ना, तो उन दोनों को कल मैं खत्म कर दूंगा। कल सिटी में मेरे बाइकर्स मर्डर स्नैचिंग सब कुछ करेंगे, मैं भी देखता हूँ तू कैसे रोकता है। कल तू और तेरी पुलिस सड़क पर कदम रख के दिखा। कल सुबह हमारे शहर के बीचों बीच जो ब्रिज है, मैं वहाँ उस लड़की के साथ खड़ा रहूंगा। दम है तो छू के दिखा। गेट रेडी फॉर द गेम। मेरा गेम तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका है बच्चे। टीम, आर यू रेडी? यस सर। बाइक को अच्छी तरह से चेक करो। लाइसेंस दिखाओ।
अर्जुन सर और लड़की ब्रिज पे है, इसलिए सभी बाइक को अच्छे से चेक करो। शहर में सभी जगह पर पुलिस है, क्या करना है? अर्जुन और वो लड़की ब्रिज पर खड़े हैं, ब्रिज के दोनों तरफ पुलिस है, उनके नजदीक भी नहीं जा सकते चीफ। गैंग लीडर पकड़ा गया है, सब लोगों को यहाँ बुलाओ। गैंग लीडर फरार हो गया सर। गैंग लीडर भाग कैसे गया? वाले ट्रक का ही पीछा कर रहे हैं, अर्जुन नहीं आएगा ना, उठा ले। मेरे चक्कर में वो किसी और के पीछे पड़ा है। इनको हमारे प्लान का अंदाजा भी नहीं है, पुलिस तो शहर को प्रोटेक्ट करने में लगी है। सुपर चीफ, आपने जैसा कहा था वैसे ही अर्जुन को उल्लू बना दिया। गेम ऑन। अर्जुन, गुड न्यूज, कोलंबियन गैंग को एक टन ड्रग्स के साथ अरेस्ट कर लिया गया है। गाड़ी रेडी विद आर्म्स, गो। चीफ, जिसने मेरा पीछा किया वो अर्जुन नहीं है क्या? अर्जुन को हमारे प्लान का पता चल गया। ओह शिट! Ugh!
उसे हुक में फंसाओ। चैलेंज किया था ना अमर, जल्दी से ट्रक ले फास्ट। उसको हमारा प्लान कैसे पता चला? गो for the kill! कल सुबह पुलिस सबको रिंग रोड से कोर्ट लेके जाएगी। अब वक्त आ गया है हमें अपने फर्ज को निभाने का। पुलिस की गाड़ी आ रही है, जल्दी।
ले लो। पहला केस हमारा ही है प्रभु, कोर्ट टाइम पर तो पहुंच जाएंगे ना? हाँ सर, पहुंच सकते हैं। सर, पीछे से कौन आ रहा है चेक करो। ओके सर। प्रभु तुम हटो, मैं संभालता हूं। अर्जुन गाड़ी रोक, वरना तेरे सारे पुलिस वालों को मार देंगे हम। सिंगल आई नहीं रहा सर। फिर से बोल रहा हूँ, तेरे सारे पुलिस वालों को मार देंगे हम। Son! Son!
प्रभु। उसके गले में रोक फंसा दिया सर। सर खून बह रहा है सर, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा सर। सर दो दो बेटियां हैं सर, मुझे मरना नहीं है, बचा लीजिए सर। हाईवे पेट्रोल प्रभु आ रहा हूं सर। कम ऑन कम इन। ए ए अंदर आ। रोक गाड़ी रोक। Kill him! Hey! 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 खत्म करता हूँ तेरे को, टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। पकड़ो पकड़ो उसे, खत्म करो। छोड़ना मत। बाहर आजा, बाहर आजा, come on जल्दी, come on आजा आजा। ओपन करो ओपन करो जल्दी जल्दी। तू तो गया अर्जुन। छोड़िए जी, आप जाइए। ओ ओ आ जाओ। शिव कम ऑन कम ऑन कम ऑन केयरफुल। आशु कम ऑन। आशु मत जाना, मेरा भरोसा कर, मेरे साथ आ। आशु मत जाना। यू आर माय सोलमेट, कम विद मी। आशु मत जा। याद है ना मैंने तुझसे क्या कहा था? एक खूबसूरत शानदार दुनिया बाहर हमारा इंतजार कर रही है। कम ऑन कम विद मी। नहीं आशु, आजा कम ऑन मैन। आशु मत जाना। कम ऑन। Stop!
Asha! Come on! First! Asha! Come on! That's my boy! Asha. Chief! Chief, police are here! Come on! Chief! Chief, baat ko samjhiye, chale baithiye! Baithiye! अच्छा, माँ के बारे में, परिवार के बारे में सोचो। मुझे नहीं सोचना है। जब से पैदा हुआ कोई ना कोई सवाल मेरे पीछे लगा हुआ है। तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम्हारा रैंक क्या है? नौकरी मिली या नहीं? शादी कब कर रहे हो? कब मर रहे हो? ये छोड़कर बाकी सारे सवाल ये सोसाइटी दागते रहती है। मुझे ये फैमिली नहीं चाहिए, सोसाइटी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। जा रहा हूँ मैं। नहीं आशा, आशा। सीजन स्लेव्स गैंग ने पुलिस बस पर अटैक कर दिया और अपने गैंग के लीडर को भगाने में कामयाब हो गए। इस घटना में उनके 13 सदस्यों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उनकी माएं शोक से व्याकुल हैं। मुमकिन है कि एसीपी अर्जुन को उनके पद से हटाया जाएगा। अर्जुन, अपने मरते हुए भाई की आवाज सुनना चाहोगे? मैंने अपनी माँ से वादा किया है, मेरा भाई जो घर छोड़ के चला गया है, मैं उसे वापस ले आऊंगा। हो सकता है कि मैं अपने भाई को वापस ना ला पाऊं, हो सकता है मैं अपना वादा निभा ना पाऊं, लेकिन तू जिसकी वजह से यह सब हुआ है, देश के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाए, तुझे बचाने के लिए सैकड़ों लाखों लोग क्यों ना आ जाए, चाहे लोगों का सैलाब आ जाए, उन सब को खत्म करके मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा। अपने काम से मतलब रखने वाले आम आदमी का दिमाग सटक गया तो वो तुझ पे कहर की आग बनके बरसेगा। तूने मेरे परिवार के साथ जो किया उसके लिए तेरे खून का आखिरी कतरा मुझसे रहम की भीख मांगेगा। मुझे डराना चाह रहे हो? तुम्हारे भाई से ही तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करूंगा। अपना एक टन ट्रक बाहर निकालूंगा और बिजनेस करता रहूंगा। आज से तुम मेरे इकलौते दुश्मन हो। मेरा दुश्मन बनने की कोशिश मत करना, बहुत तकलीफ होगी। एक टन ड्रग्स जिसके बिकने से पूरे देश में संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, इससे बचने के लिए कमिश्नर ने जांच खत्म होने तक इसे तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ट्रेजरी में रखने का फैसला किया है। हॉस्पिटल से इतनी जल्दी क्यों? वो सब छोड़ो। एनी क्लूज? टोल गेट कैमरा चेक कर लिए हैं, वो सिटी से बाहर नहीं गए। अभी तक सीसीटीवी में उसका क्राइम पकड़ा नहीं गया, अब क्या पकड़ में आएगा? क्रिस्टी सर, एयरपोर्ट हार्बर रेलवे स्टेशन, सबको लुकआउट नोटिस दे दो। यस सर। अर्जुन, कमिश्नर बुला रहे हैं। पांच कांस्टेबल सीरियस हैं, सबका कहना है कि तुमने अपने भाई को बचाने के लिए ऐसा किया।
तुम्हें डिसमिस करने को कह रहे हैं। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था सर। मैं जानता हूं तुमने नहीं किया है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें एसीपी से इंस्पेक्टर बना के मैंने किसी तरह से तुम्हारी नौकरी बचा ली है। ये केस शासन को दे दो। सर। मुबारक हो इंस्पेक्टर अर्जुन। अर्जुन खाना खा लो। माँ ने खाना खा लिया? कल से कुछ नहीं खाया, बीपी भी कम होता जा रहा है। माँ, आशु अगर आपका बेटा है तो हमारा भी तो भाई है, हमें भी उसकी चिंता है। अर्जुन ने कहा ना वो उसे लेकर जरूर आएगा, अब चलिए उठकर खाना खा लीजिए। माँ चलो, माँ आशु को कुछ नहीं होगा, तुम कुछ खा लो। माँ तुम्हारे भाई ने गलती की होगी, उसे अरेस्ट करके एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से तुम जीत गए, लेकिन एक माँ की हैसियत से मैं हार गई। तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम चारों को एक जैसी परवरिश दी, लेकिन एक बेटा पुलिस और दूसरा बेटा क्रिमिनल बन गया, तो मेरी परवरिश में ही कमी रह गई है। आशु से मिलकर अपनी गलती जानना चाहती हूँ और उसने ऐसा क्यों किया पूछना चाहती हूँ। तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। अपने आप को मैं ये सजा देना चाहती हूँ। Hey, तू ही तो हमारी हिम्मत है। माँ का ख्याल मैं रख लूंगा। लोग कहते हैं कि बिना बाप के बेटे बिगड़ जाते हैं, माँ की ऐसी बदनामी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब माँ हार जाती है तो पूरा परिवार हार जाता है। जा काम पर लग जा, आशु को माँ के सामने लेकर आ, माँ को हारने मत दे। प्लास्टर किया है इसीलिए दर्द हो रहा है, मैं ठीक कर देता हूं। हमें बचाने जो बाइकर्स आए थे उनमें से 13 मर चुके हैं और 5 लोग सीरियस हैं। बाकी बाइकर्स डरे हुए हैं, शायद बुलाने पर भी नहीं आएंगे। हमारा गेम खत्म हो गया है। होशियार रहना, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, अगले लेवल पर जाने वाला है। वहां हम आशु को मोहरा बनाएंगे। सारा, आशु को एक पल के लिए भी मां की याद नहीं आनी चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक मिनट, चीफ सेल्वा लाइन पर है। सेल्वा, एक टन ड्रग्स अपने पास एक हफ्ते में आ जाएगा। प्रसाद से बोलो कि नेपाली से मिलकर देश भर के एजेंट्स को ड्रग्स बेचने का इंतजाम करें। सेल्वा ने एडवांस दिया है। ओके। तुम्हारे भाई से ही तुम्हारे को बाहर निकालूंगा और बिजनेस करता रहूंगा। सर, कमिश्नर से बात करेंगे तो उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम उसके पीछे जाएंगे तो वो अपनी जगह बदलता रहेगा, उसे हमारे पीछे आना चाहिए। सभी न्यूज चैनल में खबर फैला दो कि हम एक टन ड्रग्स चलाने वाले हैं। क्यों सर? 3,000 करोड़ के ड्रग्स हैं शशि, कोई भी क्रिमिनल इन्हें जाने नहीं देगा। जैसे ही वो ये खबर सुनेगा खुद ही बाहर आ जाएगा। चेन्नई के ट्रेजरी में रखे हुए 1 टन ड्रग्स को सुरक्षा कारणों से पुलिस ने जला देने का फैसला किया है। कुछ भी करके अर्जुन को ड्रग्स जलाने से रोको। वो ड्रग्स मुझे चाहिए। लेकिन वो ट्रेजरी में निकाल नहीं सकते। निकालूंगा,
एक हफ्ते में आकर उसे निकालूंगा, लेकिन उसके लिए तेरी मदद चाहिए। तेरा शेयर 300 करोड़ का था, डबल कर दूंगा। ठीक है। किससे पूछकर तुमने ड्रग्स को जलाने की खबर दी? केस खत्म होने तक ड्रग्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सर, उन्हें जलाना ही बेहतर होगा। ए, अब तू सिर्फ इंस्पेक्टर है, बाहर निकल। तेरे काम के बारे में नए एसीपी को बता दिया है। चल फुट। यस सर। ड्रग्स जलाने की झूठी खबर सुनकर शासन और सरकार क्यों भड़के? पता नहीं सर, मुझे शक हो रहा है। उन दोनों की पूरी कुंडली निकालो। यस सर। Yes, लता। बाइक ने अलवर एरिया में 2 बार सिग्नल क्रॉस किया। थैंक यू। अहमद। मैम। अलवर एरिया में इस बाइक को ट्रेस कर सकते हो क्या? अर्जुन कुछ तो खिचड़ी पका रहा है सर। सोफिया को बुलाओ, उसके सामने अर्जुन की बेइज्जती करेंगे तभी सुधरेगा। सर, मैंने उस लड़के को ढूंढ लिया है। ये वही है जो मेंशन से बाइक लेकर गया था। अभी वो अपने अड्डे पर है, जहां उसके साथ 500 लोग हैं। हम किसी भी सूरत में उस तक नहीं पहुंच सकते। गैंग लीडर कहाँ है? सर, कसम से मुझे नहीं मालूम सर। प्राइवेट नंबर से फोन आता है, वो जो बोलते हैं मैं वही करता हूँ। मेरे भाई को उन्होंने सेटन स्लेव में शामिल कैसे किया? जो भी लड़के बेरोजगार हैं उनका इंटरव्यू लेकर ब्रेन वॉश करके गैंग में शामिल करते हैं। जब आपने ये केस अपने हाथ में लिया तो आपके भाई को फेक इंटरव्यू में बुलाकर फेल करने के लिए बोले थे। हमारे सीनियर एजेंट अमित ने इंटरव्यू का नाटक करके आपके भाई के साथ दोस्ती की। कूल ब्रो, अगले इंटरव्यू में देख लेंगे। नौकरी नहीं है इसलिए घर पर कोई इज्जत नहीं करता, रिश्तेदार भी इज्जत नहीं करते। हेट माय लाइफ। उसके बाद अमित ने गैंग लीडर से आपके भाई को मिलवाया। जॉइंट लेते हो ब्रो? जस्ट ट्राइड ब्रो, इट्स अ टिकट टू पैराडाइज। मेरे जैसे और भी एजेंट्स हैं सर। हर एजेंट के नीचे 30 से 40 लड़के हैं। हम सभी एजेंट एक ग्रेफिटी के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। ALX से खरीदे हुए बाइक्स का क्या हुआ? उसे काम हो जाने के बाद सुरमंगल क्वारी में डाल देते हैं।
बाइक गैंग के मुख्य एजेंट गिरफ्तार। 600 से भी अधिक बाइक्स ALX से खरीद के कत्ल और लूटपाट में इस्तेमाल करने के बाद क्वारी में डाल दिए थे, जिसे ACP अर्जुन ने ढूंढ निकाला। शैतान के गुलाम यूरोपियन मोटर क्लब का बैड इन्फ्लुएंस है। इनका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ उसे इज्जत देते हैं जिसके पास कामयाबी और पैसा है। शासन, अब तक कर क्या रहे थे तुम? सर, मैं पूछताछ ही कर रहा था। कहाँ? अफ्रीका में? गुड वर्क अर्जुन, इस केस को फिर से तुम ही इन्वेस्टिगेट करो। मुबारक हो DCP सर। अर्जुन, चलो ट्रीट दो। माँ ने 6 दिन से कुछ नहीं खाया। खाना क्यों नहीं खा रही हो माँ? क्यों जिद कर रही हो? सर, शासन और राज्य सरकार ने अपने वाइफ्स के नाम 15 घर खरीदे हैं। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट सर। कमिश्नर को दे दूं? नहीं, अभी नहीं। उन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा, वरना दोनों फरार हो जाएंगे। अर्जुन, माँ को हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो वहाँ संभाल सकते हैं। TPN देने के बाद भी उनका BP एकदम लो है। ऐसे भूखे रहेंगी तो उनकी जान को खतरा है। ड्रिप्स में TPN ऐड करूँ? सारा, क्या सोच रही हो? इंडिया के सभी ड्रग डीलर से एडवांस दिलवाया है। अब अर्जुन बीच में आ गया तो तुम्हें लगता है कि वो हमारी बात मानेंगे? अगर उनको ड्रग्स नहीं दिया तो वो 2 दिन में हमें खत्म कर देंगे। सारा, लीडर ने सब प्लान कर लिया है। कल सुबह 1 टन पाउडर हमारे हाथों में होगा। हम चेन्नई आ रहे हैं। अशोक, निकल, तेरे भाई ने इस जगह को ढूंढ लिया है। ये देख, चल चल। तुम्हारे भाई को हम सबका इनकाउंटर करने का ऑर्डर मिला है। ब्रो, तो अब हम क्या करेंगे? सिर्फ तुम्हारी माँ हमें बचा सकती है। पर माँ कैसे हमें? माँ हमारे साथ होगी तो हम अब्रॉड निकल सकते हैं ब्रो। आशु बुलाएगा तो माँ आ जाएगी क्या? ये माँ बेटे का प्यार सिर्फ एक नाटक है ना ब्रो? इसके माँ के बारे में ऐसे मत बोलो नरेन। सारा, माँ का प्यार बहुत मतलबी होता है। वो पति से ज्यादा बेटे से प्यार करती हैं क्योंकि बुढ़ापे में वही ख्याल रखेंगे ना, इसलिए मैं उन्हें मतलबी कहता हूँ, समझी तुम? वो लोग हमें कभी भी खुश नहीं रहने देंगे, चाहे कितना भी ख्याल रख लो इनका, कोई ना कोई कमी निकालते ही रहेंगे। तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पर तुम लोग मेरा ख्याल नहीं रख रहे। नहीं नरेन। मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी माँ को फोन करके अर्जुन को बिना बताए यहाँ बुलाते हैं तो वो यहाँ आ जाएगी क्या? तुम्हारी माँ के पास हमारा आदमी है, बात करो आशु। आशु बोल रहा हूँ। आशु नीचे आया है। क्या? तुम दोनों यहीं पर रुको। आशु, आप आइए। नहीं रुकना, हम आ रहे हैं।
माँ। आशु भैया मेरा इनकाउंटर करने वाला, मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ माँ। तू घर आ जा बेटा, भैया कुछ नहीं करेगा। उसने मेरा हाथ तोड़ा था, वो मुझे जान से भी मार सकता है। भैया को बिना बताए मिलने आ जाओ, नहीं तो वो तुम्हारा पीछा करके मेरा इनकाउंटर कर देगा। चलो भैया प्लीज आ जाइए। हेलो सोफिया, ट्रैफिक पुलिस को मां और भैया की फोटो भेजो। ओके। साइट को एक्टिवेट करो। मैम, उनका साइट एक्टिव हो गया। तो हैक करो। यस, पी वन अलर्ट। इस साइट को हैक करके पता करो कि बाइकर्स को क्या मैसेज आ रहा है। यार जान, माँ नहीं है, भाई नहीं है, नौकरी तो बची है। यू ब्लडी क्रिमिनल। अगर मैं क्रिमिनल हूँ तो जिस सोसाइटी ने मेरे जैसे लड़कों के अंदर जहर भरा वो सोसाइटी क्रिमिनल है अर्जुन। मेरा परिवार मुझे लौटा दो। तुम मेरा अंपायर लौटा दो, मैं तुम्हारा परिवार लौटा दूंगा। पहले तूने मेरा एक टन पाउडर पकड़ा, फिर उसे वापस लेने के लिए मैंने जो प्लान बनाया तूने उसे भी बिगाड़ा। सो ट्रेजरी में पुलिस की सिक्योरिटी में जो मेरा पाउडर पड़ा हुआ है वो तू निकाल कर देगा। 6 बजे रेड हिल्स के ब्लड चेंबर में तू मेरा पाउडर लेकर आएगा। और तू नहीं आया तो 6:01 पर आशु के हाथों से ही तेरी माँ, तेरा भाई, तेरी भाभी तीनों मारे जाएंगे। और उसके बाद मैं आशु को मार दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे शहर में मेरा गैंग रेडी है। सब लड़के नशे में धुत हैं। मेरे सिग्नल से कितने लोग मारे जाएंगे ये मुझे भी नहीं पता। या तो तुझे फैमिली को बचाने के लिए सेल्फिश बनना पड़ेगा या तो सिटी को बचाने के लिए सेल्फलेस बनना पड़ेगा। तेरे पास चॉइस तो एक ही है, तुझे मेरा पाउडर निकाल कर देना ही पड़ेगा। द गेम टाइमर स्टार्ट्स नाउ। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। अर्जुन ड्रग्स निकाल के दे दें क्या? अगर ड्रग्स यहाँ से निकले और सारे देश में फैल गए तो कितने परिवार बर्बाद हो जाएंगे सोफिया। इंटेलिजेंस यूनिट ने नेपालियों को ट्रैक किया था, उनके मुताबिक कल सुबह 6 बजे कोई ट्रांजैक्शन होने वाला है। मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। शासन, अर्जुन ड्रग निकालने के लिए ट्रेजरी आएगा, उसे वहीं पर मार देना। एक बार अर्जुन वहां से ड्रग निकाल ले फिर उसको मार डालेंगे। बेवकूफ, अगर अर्जुन ने ही स्टेट डिपार्टमेंट के ट्रेजरी से ड्रग निकाल लिया और मेरा अड्डा ढूंढकर मुझे मार दिया तो मैं आशु के हाथों से उसकी फैमिली को मरवा देता हूँ और तुम अर्जुन को खत्म करो। तुम आशु के ऊपर पूरा इल्जाम डालकर केस बंद करवाओ और जलाने के बहाने ड्रग निकाल कर मुझे दो। जाओ ट्रेजरी में फोर्स खड़ी करो। अगर अर्जुन आ भी गया तो ड्रग्स उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। कोई भी अंदर आने की कोशिश करे तो शूट इट साइड। शासन सर, हमारी टीम तैयार है सर। अगर मेरे हाथ से अर्जुन बच गया तो तू मार देना। हाँ।
सारे फ्लोर्स को अपने कंट्रोल में ले लो, मेरे ऑर्डर्स के बिना कोई कुछ नहीं करेगा। ओके सर। क्या सोफिया, तुम यहाँ? सर, एविडेंस को ट्रेजरी में रखने आई थी। ये गेम आज ही खत्म हो जाएगा, उसका बोल देना। सर, ट्रेजरी बिल्डिंग में भी ऐसे ही सब तैयारी हो चुकी है। बुलेट प्रूफ जैकेट सर। अर्जुन, अंदर जाने का कोई चांस नहीं है। मैं देख लूंगा, बगल वाली बिल्डिंग में ट्रक के साथ तैयार रहना। यस सर। फोन करो उसे। हेलो, ट्रेजरी बिल्डिंग में बॉम्ब है। सर, बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब है, ऐसा फोन आया सर। तो हमें मिसलीड करना चाहता है। ध्यान मत दो, देखता हूँ कैसे यहाँ से माल लेते। शासन, अर्जुन माल लेके निकल गया, खत्म कर दो उसे। जाओ 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 जाओ, अर्जुन सामने है, उसे उड़ा दो। गांधी रोड की ओर जा रहा है, उसे ब्लॉक करो। सिग्नल ओपन हो गया है, चलो 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 कर दो। गांधी रोड के अपोजिट जाकर उसे ब्लॉक करो। आशु,
आशु, आशु, आशु, आशु। यहीं पर है। आशु, ऐसा क्यों किया बेटा? तुझे बहुत प्यार से पाला है, पढ़ाया लिखाया, मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी क्या? मैंने कहा था ना, आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या है? हमने पढ़ाई की आपकी खुशी के लिए, नौकरी की आपकी खुशी के लिए। तुम्हारी भलाई के लिए बोलते हैं, पढ़ाई करो, नौकरी करो, नशा मत करो। वो हमारी भलाई के लिए नहीं बोलते हैं, अपनी भलाई के लिए बोलते हैं, ताकि आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरे। हम माए और क्या करें, बोलो, वो भी कर देंगे। अपने बेटे के लिए मरोगी क्या, जान दोगी क्या? बोलो बोलो, मरोगी क्या? ठीक है, मैं तैयार हूं। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं माँ, मेरी बात सुनो। तुम्हें लगता है हम मजाक कर रहे हैं? मैं 10 तक गिनूंगा, तब तक अपना फैसला ले लो। रेडी, 1, 2। नहीं, गिनती मत करो। अगर मेरे मरने से उसे प्यार का एहसास होगा तो मैं उसके हाथ से अभी मरने के लिए तैयार हूँ। तो आ जा आशु, अपनी माँ को अपने हाथों से मार दे। नाटक कर रही है, नाटक शूट कर, गोली नहीं इसमें, डर से खुद ही ना बोल देगी। आशु, आशु, अर्जुन ने पिता समान तेरी परवरिश की, शादी भी नहीं की, मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, उसे कभी गलत मत समझना बेटा। आशु, आशु, नहीं आशु, नहीं आशु, नहीं, मत करो, आशु, नहीं, माँ को गोली नहीं मारना। आशु, गोली नहीं चलाना। क्या ब्रो, गोली तो नहीं थी ना? सारा, 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 आशु, आशु, सारा, डोंट लीव मी सारा, सारा। प्यार झूठ है तुम बोल रहे थे ना, तो रो क्यों रहे हो? सुनो, वो ब्रिज पे चढ़ गया है, उड़ा दे। गो गो गो, चढ़ा दे उस पे। ब्रिज को ब्लॉक कर दो। पोजीशन।
बॉम्ब भी फुसकी, वो भी फुसकी, चढ़ा ले। ऐसा है क्या? चल उड़ा दे। वो भाग गया। मैंने चैम्बर में बुलाया है, वो वहीं आएगा। सरकार को बोल वहां तैयार रहे। भाई साहब, अर्जुन भाग कर रेड हिल चैम्बर की तरफ जा रहा है। मैं देखता हूँ उसे। 15 मिनट ही बाकी है, ड्रग्स को लोड कर दिया है, लेट्स गो। अर्जुन गाड़ी में ड्रग्स लेकर निकल गया। अर्जुन हम सबको मारना चाह रहा, तुम सबको ही मार देता हूँ। अमित, लटका दे सबको। अर्जुन ड्रग्स लेकर चैम्बर में आ रहा है। अर्जुन, ड्रग्स को हमारे हवाले करके सरेंडर कर दो। सोफिया, अर्जुन कहाँ है? 15 मिनट ही बाकी है, ड्रग्स को लोड कर दिया है, लेट्स गो। घेर लो। सोफिया ने कमिश्नर से मिलकर हमें अरेस्ट करवा दिया। तो अर्जुन कहाँ है? अमित, इसे लोकेशन कैसे पता चला? पता नहीं। हे हेड़े, GPS वॉच से। मेरे सारे प्लान्स को बर्बाद करके तुम मेरे पास आए हो। अर्जुन के लिए प्यार भरा तोहफा। नहीं! पहले अपनी पिस्टल फेंक। इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुम लोगों को। तड़पा तड़पा के मारूंगा। अमित, बाइकर से बोल, जो भी दिखे उसे मार डाले। पूरे शहर में खून बहना चाहिए। चीफ, बाइकर्स निकल चुके हैं, ये 10 मिनट में पूरे शहर में फैल जाएंगे। How is it, Arjun? R1 पेट्रोल, 100 से ज्यादा बाइक शहर में घूम रही है सर, सबके पास खतरनाक हथियार है सर।
इग्नोर करो। बाइकर्स को रोक दे वरना मार दूंगा। तू मुझे नहीं मारेगा अर्जुन, मुझे पता है क्योंकि तू मार ही नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे जरूर मारूंगा। रोक दे उन्हें। अर्जुन तू बहुत बोरिंग है, ईमानदारी इंसाफ की बात करने वाले तेरे जैसे पुलिस ऑफिसर्स को पब्लिक पसंद नहीं करती, उनके लिए तू जोकर है और मैं हूं हीरो। सक्सेस। लता सर, बाइक की लोकेशन चेंज करके उन्हें यहीं भेज दो। यस सर। चीफ, हमारा साइट हैक हो गया है। तूने सही कहा था, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरे बाइकर्स जिन्हें तूने खुद तैयार किया था यहाँ आकर तुझे मारेंगे। चीफ, सारे बाइकर्स यहाँ आ रहे हैं। बाइकर्स नजदीक आ गए हैं, आप किसी तरह निकल जाइए। सर, इनमें से चार लोगों को मार देते हैं तभी डरेंगे ये लोग। एटलीस्ट गुंडा एक्ट में अंदर डाल देते हैं अर्जुन। क्यों, इनको भी बड़ा क्रिमिनल बनाना है क्या? प्रॉब्लम तो सभी को होते हैं, लेकिन किसी का खून करना, किसी को लूटना, शराब और ड्रग्स का नशा करना,
माँ बाप से झगड़ा करना उन प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। लड़ना होगा, लड़कर जीतना होगा। तुम्हें कुछ हो ना जाए इस फिक्र से तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई है। उनके चेहरे देखो, जब तुम उनके पेट में होते हो तो वो अपनी पसंद का खाना तक नहीं खाती ताकि तुम्हें सर्दी या बुखार ना हो जाए। उस समय से ही वो अपनी नींद, अपनी सुंदरता, अपना स्वास्थ्य सब कुछ त्याग देती है सिर्फ इसलिए कि तुम ठीक रहो। तुम्हारे माँ बाप बस तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। अपने माँ बाप की बेइज्जती करके तुम जिंदगी में कितने भी पैसे कमा लो, कितनी भी कामयाबी हासिल कर लो, पर वो तुम्हारी हार ही होगी। मैं तुम लोगों पर केस नहीं कर रहा। अपने परिवार के पास लौट जाओ। जाओ।